किसानों का सोना मंडियों में पहुंच चुका है और ये धान जिसकी खरीद का इंतजार किसानों का था, आज से वो खरीद शुरू हो गई है। मंडियों में आप देख सकते हैं किसान ट्रैक्टर ट्रोलियां भरकर धान की लेकर आ रहा है। और हालांकि आज ज़्यादा लोड नहीं है धर्मकांटा पर, लेकिन आने वाले एक दो दिनों में लोड जरूर हो सकता है, क्योंकि आसपास की तमाम गांवों के लोग किसान अपनी धान की फसल लेकर मंडी में पहुंचेंगे। कहां से आए हैं, कौन सी धान उगाई है? कूसगढ़ से जी। कूसगढ़ से कौन सी धान है? 128 परमल है। परमल है। बारिश का क्या असर देखने को मिला? बारिश का बहुत ज़्यादा असर है जी, बहुत ज़्यादा। बहुत मतलब जाड़ में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा। अच्छा। मतलब 4-5 क्विंटल कम हो गई जाड़। कम हो गई। इस बार कितना होगा तकरीबन एक एकड़ में जाड़? अब की बार 24-25 किच के। 24-25। तो आप देख सकते हैं ये तमाम किसान हैं जो मंडी के अंदर पहुंचे हैं। मंडी सुपरवाइजर से भी बात करेंगे और किसानों से भी बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 17 मॉइस्चर सरकार की तरफ से रखा गया है। अगर धान गीली होगी, मॉइस्चर 17 से ज़्यादा होगा, तो फिर कट के साथ किसानों को पैसे मिलेंगे। 2060 रुपये MSP तय किया गया है सरकार की तरफ से धान का। और फूड सप्लाई, हैफेड, वेयर हाउस, इनकी तरफ से खरीद की जाती है। मंडी सुपरवाइजर हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या तैयारी इस बार आज से धान की खरीद शुरू हो गई है? धान से ई खरीद पे सरकार ने पोर्टल जारी कर दिया था और उस पोर्टल पे जितने भी रजिस्टर्ड हमारे पंजीकृत किसान हैं सभी आकर गेट पास कटवा रहे हैं। सुबह इसके लिए हमने 6:30 बजे से तैयारी कर दी थी और अगर भविष्य में आवश्यकता होगी तो उसके टाइम को हमें उस पर बढ़ा भी दिया जाएगा। बाकी भी हमें किसी भी तरह की किसानों को कोई समस्या आने नहीं दे रही है। इसके कुछ भी अगर पोर्टल में कोई भी रहता है तो हम उसको अपने स्तर पर चेक करने की कोशिश करते हैं और उसकी समस्या का तुरंत ही समाधान करते हैं। यूपी की धान अलाउ है या बैन है? नहीं, अभी यूपी का किसी का भी, जैसे अभी यूपी वाले में तो किसी का भी आ नहीं रहा है। और जैसे भी अगर हम यहाँ पर सिर्फ हरियाणा के ही किसानों का पोर्टल कट रहा है और किसी भी यूपी के किसान का किसी का भी यहाँ पर पंजीकरण में से किसी का भी पोर्टल नहीं कट रहा है। एक एकड़ में कितनी धान अलाउ कर रखी है? अभी सरकार ने इसमें संबंधित में 5 जिलों में तो 30 के लिए और 28 के कर दिया था, लेकिन अभी जो किसान खुद आ रहे हैं वो खुद ही अपने आप यही बता रहे हैं कि हमारे पास 20 या 22 क्विंटल के आसपास की पैदावार हो रही है। क्योंकि जब भी अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि 35% के आसपास इस बारिश की वजह से थोड़ा सा नुकसान भी हो गया करनाल में, तो उसके हिसाब से सिर्फ हमारे पास 20 से 22 के अपने आप ही किसान आ रहे हैं। दिक्कत नहीं है, वो लेकर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसान मंडी में धान लेकर पहुंच रहा है, गेट पास बनवा रहा है। बन गया गेट पास? हाँ जी, हाँ जी। अब लेकर जा रहे हैं धान? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं तमाम किसान अपनी धान की फसल लेकर मंडी में पहुंचे हैं और इंतजार है सभी को, गेट पास का। गेट पास मिल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धान की खरीद हो या गेहूं की खरीद हो, सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए, परेशानी नहीं आनी चाहिए किसानों को। अगर परेशानी आएगी तो फिर उसका जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि किसान पूरी मेहनत करता है धान की फसल उगाने में, गेहूं की फसल उगाने में, और ऐसे में कभी बारिश की मार, कभी कुदरत की मार, कभी प्रशासन सरकार के जो नियम कायदे हैं उसको लेकर असमंजस की स्थिति, कभी बड़ी बड़ी लाइनें, तो ऐसे में धान की खरीद अगर सुचारू रूप से चलती रहे तो फिर परेशानी नहीं होती है। मंडी का क्या हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 1 अक्टूबर यानी कि आज से धान की खरीद मंडियों के अंदर शुरू हो गई है। जो पुरानी प्राइवेट खरीद है वो पहले ही चल रही थी, सरकारी खरीद अब शुरू हो गई है। आढ़तियों की कुछ मांगे मान ली गई थी, कुछ मांगे नहीं मानी है, लेकिन अब आढ़ती मान गए हैं। और आखिरी बात, उठान जो होना चाहिए वो समय पर होना चाहिए, लिफ्टिंग जो होनी चाहिए वो समय पर होनी चाहिए। अगर लिफ्टिंग समय पर नहीं होगी तो फिर और जो खासी दिक्कत है वो मंडी के अंदर सभी को देखने को मिल सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्ते।